दिल्ली में हो रही लगातार बारिश ने 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं हादसों की भी खबरें आ रही। दिल्ली के लाहौरी गेट पर एक इमारत गिरने से कई लोग उसमें दब गए, जबकि नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों को बारिश की वजह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में नॉन स्टॉप बारिश, 15 साल का टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में बारिश लाई बर्बादी। दिल्ली का कोई इलाका नहीं जो लगातार हो रही बारिश की मार से बच सका हो। कहीं ट्रैफिक जाम है तो कहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को घरों से निकलने से रोक दिया है। लोग खुद लगातार हो रही बारिश के बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हालात से परेशान है। रास्ते में काफी पानी भरा हुआ है रोड पे और काफी गड्ढे भी हैं। एक बार बाइक से मैं गिर भी गया था। सरकार से उम्मीद करूंगा कि ये बहुत जल्दी से जल्दी पानी निकालने का रास्ता किया जाए, जिससे आगे कोई हादसा ना हो। दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन भी चुनौती भरा है, क्योंकि आज भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस बीच हादसे भी हो रहे हैं। दिल्ली के लाहौरी गेट भारी बारिश के बीच एक इमारत के ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। यहां मलबे में करीब 10 लोगों के फंसे होने की खबर है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो ठीक होने चाहिए, उनका स्वास्थ्य एकदम, अभी उनसे उनके परिवार के किसी बहन से अस्पताल में भी फोन पे बात की है। और अंदर जो है दो बुजुर्ग और हैं, अभी एक लेडीज है, एक जेंट्स, घर के अंदर ही अंदर ही हैं अभी। और एक बीच में जो है एक या दो रक्षा है बैटरी वाली, उसके अंदर जो है सवारियां भी थी, वो अभी रास्ते में ही है, बीच में मलबा फंसा पड़ा हुआ अभी। आंकड़े बता रहे हैं कि 15 साल पहले कभी ऐसी बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2007 में इस तरह की बारिश कहर बनकर बरसी थी। हालांकि इस बारिश से मुसीबत आई तो मौसम ने भी अंगड़ाई ली है। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता सुधरी है। बारिश की वजह से दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु की गुणवत्ता 54 तक पहुंच चुकी है, जिसे अच्छा माना जाता है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक आ चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर के स्कूल बारिश की वजह से बंद हैं। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए एक दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया, जबकि बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सड़क धसी है। गुरुग्राम में मौत का बरसाती तालाब बना है। यहां 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच बरसाती तालाब बन गया है और इसी तालाब में बच्चे नहा रहे थे। यह हादसा गुरुग्राम के सेक्टर 111 में हुआ है। आपको बता दें कि आफत की बारिश से आज भी निजात मिलना थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारी बारिश में अकेले दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश भर के करीब 17 राज्य भीग रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जगह तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में कहां क्या हाल है। जोरदार बारिश से बदला मौसम। यूपी से हैदराबाद तक काले बादलों का साया। उफान पर नदियां अलर्ट मोड में, आधा हिंदुस्तान। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की ये 3 तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यहां बारिश का कहर कैसे इन राज्यों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। यही नहीं, देश भर के 17 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। कई राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। यहां यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
जबकि लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। नेपाल की नदियों में उफान आने से यूपी की मुसीबत बढ़ गई है। बरेली में भी 24 घंटे से हो रही बारिश से सैलाब उमड़ आया है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में बढ़ते जल स्तर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भीगी भीगी सी हैं। अमरोहा में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया हुआ है। यूपी में अगले 24 घंटे झांसी, इटावा, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल और बिहार में बहने वाली गंडक नदी उफान पर है और यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में भी मुसीबत का कारण बनती जा रही है। परसा में भी नारायणी नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण आधा दर्जन गांव में पानी घुस चुका है। यहां करीब 200 घरों में बाढ़ का पानी लोगों को मुसीबत में डाल रहा है। पानी छोड़ा गया है जिसमें कि लगभग बलगांव पंचायत का 200 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुका है और पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं है। पानी घर में मांगल बा और रहेला जगह में। चंपारण में शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ित दो दिन से भूखे प्यासे हैं। यहां सैकड़ों की आबादी तंबू तानकर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। परेशानी यही है कि जो डेंगे डड़िया भी नहीं है हमारे लोग को, यहां पर सीधा चाउर है वो मचान पर रखे हुए थे, मचान टूट टूट के गिर गया, भींज गया है हम लोग। जबकि भागलपुर के नवगछिया में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी लगभग यही हाल है, जबकि ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से तिगरा डैम का पानी खतरे के निशान को छू रहा है। आसपास के गांव को अलर्ट किया गया है, जबकि राजस्थान के उदयपुर में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहां की फतेह सागर झील में पानी लबालब भर गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।